Welcome to Genius Pratham and Mom. For more videos, subscribe this channel and press bell icon. सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, बच्चों के स्टार्टिंग इयर्स में अगर आप बच्चे को डांटेंगे, उनको फोर्स करेंगे, तो उनको पढ़ाई से नफरत हो जाएगी। तो इन इयर्स में हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है कि बच्चे को पढ़ाई से नफरत ना हो और वो अच्छे से फन वे में, राइटिंग भी करना है तो वो भी फन वे में वो सीख जाए, उसको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ताकि उनका आगे जाके भी एकेडमिक बहुत ही अच्छा रहे। फर्स्ट टिप, होमवर्क को फन बनाना है। जैसे कि अगर आप वन लिखवा रहे हैं बच्चे से, तो आप उनसे कह सकते हैं डाउन यू रन एंड वन इज डन। इससे बच्चे को ये लगेगा कि वो खेल रहा है और खेल खेल में ही उसका होमवर्क कंप्लीट भी हो जाएगा। और दूसरा मेन फायदा ये है कि आपके बोलने से बच्चे के दिमाग में उस नंबर की फॉर्मेशन क्लियर हो रही है कि एग्जैक्टली उसको क्या करना है, डाउन आना है, तो ये उसके दिमाग में क्लियर होता है। इसी तरह सारे नंबर्स के लिए कुछ कुछ लाइंस है। अगर आप चाहे कि मैं उन सारे नंबर्स के लिए, सभी नंबर्स के लिए वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके बताना, मैं जरूर बनाऊंगी। टिप नंबर टू, अगर फोर लाइन नोटबुक में लिखवाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उसके लिए बच्चे को स्टार्टिंग में क्लियर इंस्ट्रक्शन जरूर दें, यानी कि कौन सी लाइन से लिखना शुरू करना है और कहाँ पे खत्म करना है। जैसे कि अगर आप बच्चे को ई लिखवा रहे हैं, तो आप उसके लिए बोल सकते हैं रेड टू ब्लू, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्मॉल स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन। इस तरह से दो तीन लाइन तक आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे प्रॉपरली, फिर बच्चे के दिमाग में वो क्लियर होने लगेगा, वो भी अपने आप बोलने लगेगा। आप बच्चे से भी बुलवा सकते हैं यही इंस्ट्रक्शन, तो बच्चे के दिमाग में वो फॉर्मेशन प्रॉपर क्लियर हो जाएगी। टिप नंबर थ्री, अगर बच्चे को लिखना तो आ गया है पर वो होमवर्क करना नहीं चाहता, तो उसके लिए आप एक ये आइडिया यूज कर सकते हो कि आप बच्चे को उस पर्टिकुलर अल्फाबेट से स्टार्ट होते हुए वर्ड्स की स्टोरी बता सकते हो। जैसे कि बच्चा ए लिख रहा है, तो बच्चा जैसे ही एक टाइम ए लिखे, तो आप स्टोरी को आगे बढ़ाते जाए। एक बार लिखा तो आप कहो एक लड़का था एलेक्स, सेकेंड टाइम एलेक्स को पसंद था एप्पल, थर्ड टाइम उस एप्पल पे थी एंट। तो ऐसे ही ए से स्टार्ट होते हुए वर्ड्स जोड़ते जाइए, और इतनी फ्लैट स्टोरी नहीं कहनी है कि बच्चा बोर हो जाए। स्टोरी शुड बी इंटरेस्टिंग, ओके, इंटरेस्टिंग तरीके से कहनी है हमें। टिप नंबर फोर, अगर आपको स्टोरी बनाना मुश्किल लग रहा है, तो आप डायरेक्ट वर्ड्स भी बोल सकते हैं, और इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि बच्चे से भी वर्ड्स पूछिए। अगर उसके पास कुछ जानकारी होगी उस लेटर से स्टार्ट होते हुए वर्ड्स की, तो पहले उससे पूछिए। इसमें दो फायदे होंगे, एक तो बच्चे की वोकेबुलरी बढ़ रही है और उसको इंटरेस्ट आ रहा है, खत्म हो जाएगा होमवर्क बातें करते करते ही। और जैसे मैंने बोला कि उसको वर्ड्स बताना है, तो ऐसे नहीं फ्लैट ही बता दो आप एंट्स एप्पल, ऐसे नहीं बताना है। आप ऐसे कर सकते हो कि ए से क्या होता है, सोचो सोचो तुम भी सोचो, सोचो सोचो एप्पल, नेक्स्ट सोचो सोचो वहां क्या है एंट। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग बनाइए, ऐसे करते करते बच्चा यू होमवर्क खत्म कर देता है। टिप नंबर फाइव, स्टोरीज और वर्ड्स, इसके अलावा तीसरा तरीका है कि आप बच्चे को जो अल्फाबेट लिख रहा है उसका जॉली फोनिक सॉन्ग गाने को भी कह सकते हैं। आप खुद गाइए या फिर बच्चे को गाने को कहे, वो गाते गाते ही वो चीजें लिख देगा। जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं डी, तो डी का है सी मी प्लेइंग ऑन माई ड्रम, प्लेइंग ड्रम इज लॉट्स ऑफ फन, ये गाते गाते मजे करते करते बच्चा होमवर्क फिनिश कर देगा। पर ध्यान रखिए, ये सारी चीजें बच्चे का फॉर्मेशन क्लियर हो उसके बाद करिएगा, पहले हमें फॉर्मेशन क्लियर होने पे ही फोकस करना है। टिप नंबर सिक्स, आप एक डाइस लेकर भी बैठ सकते हैं और वो डाइस थ्रो कीजिए और उसमें
है, बच्चे को उतनी बार वो पर्टिकुलर अल्फाबेट लिखना है। जैसे कि 5 आया है तो 5 टाइम वो ए लिखेगा। टिप नंबर 7, अगर बच्चा थोड़ी लाइंस तो लिख देता है, 2-3 लाइंस तो लिख देता है, उसके बाद उसके नाटक चालू होते हैं कि मुझे नहीं लिखना है, तो उसके लिए ये करें कि ये जो सारी टिप्स मैंने पहले बताई है वो सारी उन 2-3 लाइंस के बाद ही शुरू करें। आपको मेरी बताई हुई ट्रिक्स में से कौन सी ट्रिक अच्छी लगी और कौन सी आपके ज्यादा यूज आई, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज। और इस वीडियो को लाइक करना और दूसरी मदर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।